Good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 9, chapter number 5, and the name of the chapter 5 is Euclid Geometry. Actually, this lecture is basically a demand lecture क्योंकि आप में से most of the students ने मुझे comment किया on my YouTube channel and WhatsApp number कि सर एक lecture आप बनाइए please on Euclid Geometry पर. हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि यूक्लिड ज्योमेट्री एक्चुअली मैथ्स का पार्ट है या एक डिफरेंट साइंस का पार्ट है. क्यों? क्योंकि इसमें हमें जस्ट लर्न करना पड़ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि समझना क्या है. इस चैप्टर में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं. तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिटेल में और कुछ स्टेप से समझाइए ताकि एंटरटेनिंग के साथ ही चैप्टर हमें क्लियर हो जाए. तो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इस चैप्टर को एक कम्प्लीट एंटरटेनिंग टाइप से, ताकि आपको हर वर्ड का मीनिंग क्लियर हो, इस चैप्टर को आप बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते. तो आई होप यू विल एंजॉय द कंप्लीट वीडियो. सो बिफोर टू स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड प्लीज वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. तो मैं यहाँ पे हर एक वर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको हर चीज बेटर वे से एक्सप्लेन हो. सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री. तो सबसे पहले वर्ड आता है यूक्लिड. यूक्लिड क्या है? यूक्लिड इज अ फेमस मैथमेटिशियन है जो इजिप्ट से है. और ज्योमेट्री आपको शायद पता भी है, आप यूज करते भी आए हो क्लास 8 में, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं पता. तो सबसे पहला वर्ड हमारा रहेगा ज्योमेट्री, क्योंकि यूक्लिड ने किसके बेस पे डिफाइन किया है, ज्योमेट्री के बेस पे. तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्री का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कैसे जा सकते हो. तो हम सबसे पहले ज्योमेट्री वर्ड को समझेंगे कि ज्योमेट्री है क्या चीज, इसमें क्या चीज स्टडी की जाती है. तो ज्योमेट्री एक्चुअली जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से यूज किया गया है. तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रीक लैंग्वेज की. तो ये ग्रीक वर्ड है. सबसे पहला ग्रीक वर्ड इसमें क्या है आपका, जियो. जियो का मतलब क्या होता है, जैसे आप ज्योग्राफी चैनल देखते हो, अर्थ की डिस्कवरी देखते हो, इसका मतलब जियो क्या है, अर्थ है. तो जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ. फिर सेकंड वर्ड जो मैट्री है, ये मैट्री वर्ड कहां से आया, मैट्रीन से. एंड मैट्रीन का मीनिंग क्या होता है, मीजर. मीजर का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को आप कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो. इसका मतलब अर्थ की जो मेजरमेंट की जाती है, तो उन मेजरमेंट करने के लिए कुछ डेफिनेशंस, कुछ स्टेटमेंट, कुछ रूल्स हमें पढ़ने पड़ते हैं. उन्हीं रूल्स की जो एक ब्रांच है ऑफ मैथमेटिक्स, उसी का नाम क्या होता है, ज्योमेट्री. समझाया? सो ज्योमेट्री क्या है, एक ब्रांच है ऑफ मैथमेटिक्स. मैं इसको लिख भी देता हूं, आपको समझ लिया जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं. अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की. तो ज्योमेट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about earth measure. earth कह सकते हो या land measure भी कह सकते हो. land measurement related to its roles, mathematical statement, etc. तो समझाया कि आपको ज्योमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो अर्थ या लैंड मेजरमेंट के बारे में कुछ सर्टेन रूल्स, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ फैक्ट्स, उनको स्टडी करना ही एक ब्रांच का नाम क्या है, ज्योमेट्री.
आई होप आपको इस समझ आया होगा कि मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्री का। इतना क्लियर हुआ आपको? अब इसी से रिलेटेड हम कुछ और पढ़ेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट। मैं वन बाय वन डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगा और आपको हर चीज को बेटर में से क्लियर करूंगा, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है, मैंने एक लाइन लिखी है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स इन एवरी सिविलाइजेशन। जो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन थे, चाहे वो किसी भी कंट्री के क्यों ना हो। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है लाइक इजिप्ट, इजिप्ट के लोग आप समझते हो, जहाँ पिरामिड शेप टाइप के हो जो अपने फॉर्म बनाकर रहते हैं। चाइना कंट्री के बारे में आपने सुना हुआ है, इंडिया के बारे में तो ऑब्वियसली आप इंडिया के तो हो ही। तो ये क्या थे, इन सब के जो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन थे, तो उन्होंने डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शन किए, लाइक कि बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाए गए, फ्लाई ओवर्स डिजाइन किए गए, कुछ मैप्स बनाए गए, एक स्ट्रक्चर बनाया गया, बहुत सारी चीजें बनाई गई। तो जब हम उनको देखते हैं कि हमारे जो एंशियंट टाइम था, पुराना टाइम था, तो उस टाइम तो जो हम मेजरमेंट करने के लिए आज फॉर्मूले यूज करते हैं, लाइक एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूज कर लेते हो, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ रोम्बस यूज करते हो, लेकिन उस टाइम पर क्या वो फॉर्मूले थे? तो आंसर क्या आएगा? नो। अब प्रॉब्लम आती है कि जब उस साइड पर ये फॉर्मूले थे ही नहीं, तो इतने टाइप की इतनी बेटर वे से डिजाइनिंग कैसे हो पाई, इतनी जो कह सकते हो कंप्लीट एंड एक्यूरेट वे से इतने बड़े बड़े टेंपल, उसमें इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ जो डिजाइनिंग की गई, कंस्ट्रक्शन की गई, तो वो कैसे की गई? तो इससे हमारे मन में एक ये आता है कि जब हमारे ये रूल्स डेवलप नहीं हुए थे फॉर मेजरमेंट करने के लिए, तब भी हमारे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थे वो अपने डिजाइनिंग या कुछ रूल्स जो वो फॉलो करते थे, उस रूल की हेल्प से क्या करते थे, वो मेजरमेंट करते थे, और वो मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट थी। लेकिन उन मेजरमेंट को वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि ये मेजरमेंट एक्चुअली क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करता हूं मैं इजिप्ट के लोगों की, हम किसकी बात कर रहे हैं, इजिप्ट के लोगों की बात कर रहे हैं। तो इजिप्ट में एक बहुत फेमस रिवर है, हम बात करते हैं इजिप्ट की, इजिप्ट में मैं बहुत फेमस एक रिवर की बात करता हूं, उसका नाम है नाइल। एक रिवर है जो फेमस है बहुत, नाइल उस रिवर का नेम है। तो जब नाइल्स में ओवर फ्लड आता था, ओवर फ्लड का मतलब क्या था, जब वहां पे रेनिंग सीजन के कारण बारिश का पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता था, वहां पे फ्लड आ जाता था। फ्लड आने के कारण जो नदी थी, रिवर थी, उसकी जो बाउंड्रीज थी, वो बाउंड्रीज क्या होती, ब्रेक हो जाती, टूट जाती थी। अब बाउंड्री जो ब्रेक होगी वो टूटेगी, तो जो साइड में जो ओनर्स थे डिफरेंट लैंड्स के, उन्हें प्रॉब्लम आती थी। तो वो कंट्री क्या करती थी, उन बाउंड्रीज को, जो बाउंड्रीज टूट गई थी उन बाउंड्रीज को रिबिल्ड करती थी, दोबारा बनाती थी। अब दोबारा बनाने के लिए उसी शेप में, उसी साइज में, ताकि किसी की एक्स्ट्रा जो लैंड है वो भी यूज ना हो, तो सेम वही डिजाइन बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ रूल्स यूज करती थी, जिससे क्या बनाती थी, वो बाउंड्रीज अगेन बना पाती थी। तो इजिप्ट के क्या थे लोग, एंशियंट जो सिविलाइजेशन थे, उनके पास भी क्या थे, कुछ डिजाइनिंग थी, कुछ रूल्स थे, लेकिन वो उस रूल्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि उनके पास भी क्या थी, आर्किटेक्चर, उनके पास भी मैथमेटिशियंस थे जो डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कुछ वो रूल्स यूज करते थे, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के पास भी उनके पास कुछ रूल्स थे, ऐसे ही लेंथ, ब्रेड्थ, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए उनके पास कुछ रूल्स थे, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि ये एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लाइन क्या होती है, लेंथ क्या होती है। लेकिन इन सब चीज की यूज तो हो रही थी, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। आई होप आपको समझ आएगा कि इजिप्ट में भी क्या थी, मैथमेटिशियंस हो रही थी। इसी के बाद हम बात करते हैं कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट में एक टर्न के किट एक पिरामिड बनाया गया। आपको मैं शेप बना के दिखाता हूं, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। तो जैसे मैंने एक शेप बनाई है, इसको कहते हैं टर्न केटेड पिरामिड।
आपको वैसे पिरामिड पता ही है, इजिप्ट के लोग कैसे पिरामिड रहते थे, बच्चे बच्चे को भी पता है, कार्टून में भी पिरामिड आता है। यदि मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की शेप बनाऊं तो आपको बेटर में से और भी क्लियर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको इस टाइप का, मैं और करता हूँ तो ये किस टाइप का दिखाई दे रहा है आपको? सारे जो फेसेस है वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट पर। अब तो ये कॉमन पॉइंट्स पे जब सारे फेसेस मीट करते हैं तो उस शेप को क्या कहते हैं? पिरामिड। तो जो एंशिएंट इजिप्ट के सिविलाइजेशन थे उन्होंने भी क्या करे, कुछ ऐसे ही पिरामिड बनाए। उनके पास उनका एरिया निकालने के लिए कुछ रूल्स थे, वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ रूल्स थे, यहां तक कि वो उस शेप को दोबारा से भी बना सकते थे। इसका मतलब उनके पास और भी बहुत सारे रूल्स थे जिसकी हेल्प से वो इस टाइप की डिजाइनिंग कर पा रहे थे। इसका मतलब इससे रिलेटेड उनके पास कुछ फॉर्मूले पता थे। अब जब हम ट्रंकेटेड पिरामिड की बात करते हैं तो ट्रंकेटेड का पिरामिड में बहुत टाइप के बनते थे, जैसे हम इसके बेस की बात करते हैं। तो जो ट्रंकेटेड पिरामिड का जो बेस था वो जरूरी नहीं है शेप का हो, स्फीयर का हो, वो स्फीयर शेप का भी होता था, वो ट्रायंगुलर शेप का भी होता था। इसका मतलब उनके पास कुछ रूल्स थे रिलेटेड टू स्फीयर शेप, शेप के भी कुछ रूल्स थे, ट्रायंगुलर शेप थे उनके भी खास स्फीयर थे उसके भी कुछ रूल्स थे। ऐसे ही इनके जो साइड्स होती थी, ये साइड्स है इनकी, साइड्स कैसी होती थी? ट्रायंगल शेप की होती थी। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो इजिप्ट के लोग थे, पुराने लोग जो सिविलाइजेशन में कंस्ट्रक्शन काम में कुछ काम करते थे, तो उनके पास मेंशुरेशंस के लिए बहुत सारे फॉर्मूले थे, लेकिन उन फॉर्मूलों को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। वो जस्ट क्या देते थे? स्टेटमेंट देते थे, कुछ रिजल्ट देते थे, उस रिजल्ट के बेस पे ही उनकी क्या होती थी? सिविलाइजेशन चलती थी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो इजिप्ट के लोग इस टाइप से क्या करते थे? अपनी सिविलाइजेशन को चला रहे थे। तो अब हम बात करते हैं किसकी, क्योंकि ये था इजिप्ट के लोगों की बात। और इजिप्ट का मैंने क्यों डिस्कस किया? क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? यूक्लिड। और यूक्लिड कहाँ का है? एक मैथमेटिशियन था, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन। कहाँ का? इजिप्टियन। तो इजिप्ट का था, तो इजिप्ट के बारे में आपको, उसके सिविलाइजेशन के बारे में तो पढ़ना पहले ही आपकी प्राइम ड्यूटी है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट, अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की। सो प्लीज मेक अ नोट नाउ, लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अपनी इंडियन कंट्री की बात कर रहे हैं। तो इंडियन कंट्री के बारे में तो आप बहुत चीज जानते हो। सबसे पहले मैं बहुत फेमस बात करता हूँ, हड़प्पा एंड मोहन जोदड़ो गुफा। ये तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, अपने एसएस में पढ़ा हुआ है, मोहन जोदड़ो जो एक केव थी, गुफाएं थी, उनमें काफी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग हुई 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 है। डिजाइनिंग का मतलब क्या? वहां पे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन तैयार किए गए हैं जो हमारी सिविलाइजेशन को शो करते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन हमारी बहुत ही एक्यूरेट थी, बहुत ही एग्जैक्ट मेजरमेंट करते थे। यहाँ पे आपको कुछ गलत चीज दिखाई नहीं देगी। यदि आपको लेंथ की देखेंगे, हर चीज की एग्जैक्ट लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब चीज आपको एग्जैक्ट दिखाई देती है। इसका मतलब हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन बहुत आगे थी। आज हम कह सकते हैं अभी तक भी हम अपने पिछले जो हमारी सिविलाइजेशन थी, मैथमेटिशियंस थी, उस चीज को अभी तक भी हम ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं। तो हमारी काफी आगे थी। तो इस चीज को हम समझते हैं कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड। यदि आप देखते हो मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर में कितने एक्यूरेट तरीके से कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे सीढ़ी होनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्जिट है, वो बेटर वे से एक्सप्लेन की गई है। और आप वहां देखना, कहीं छोटी बहुत भी आपको गलती दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब वो इतने सालों पहले आपकी इतनी अच्छी बेटर वे से सिविलाइजेशन हो चुकी है। तो वहां पे कुछ रूल्स तो ऐसे जरूर होंगे जो वो यूज करते होंगे, लेकिन हमें वो रूल्स नहीं पता। क्या मेन प्रॉब्लम थी? क्योंकि वहां पे कोई ऐसा तरीका नहीं था कि इस रूल्स को पास किया जाए। उनके पास कोई भी मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं था, उसने उनको स्टेटमेंट में डिफाइन नहीं किया गया। तो ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो उसको एक्सप्रेस, उसको
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचा नहीं पाए। इसके लिए क्या हुआ, फिर डिफरेंट मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने कुछ उनको रूल्स दिया, कुछ उनको स्टेटमेंट प्रोवाइड की ताकि ये चीज आगे फॉरवर्ड की जा सके। इसी टाइप से जब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता हूँ, ये भी एक बेटर वे है आपको चेक करने का। यदि आपको कहीं मौका मिलता है तो आप यहाँ जरूर जाइए और वहां जाके आप देखिएगा कि कितनी एक्यूरेट डिजाइनिंग सिविलाइजेशन मेजरमेंट की गई है। तो क्या वो मेजरमेंट आज हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो आंसर आएगा नहीं। आज तक भी हमारी मैथमेटिशियन उतनी डिजाइनिंग तक नहीं पहुंच पाई जितनी पहले थी, ये लोगों का मानना भी है। तो उनको देखोगे तो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल प्लान्ड। यदि उन्होंने कुछ एक सिटी को बनाया, एक शहर को बनाया है, तो उसकी आप आर्किटेक्चर देखिए तो आपको दिखाई देगा वहां पे प्रॉपर स्पेसिंग है। हम रोड्स की बात करते हैं, पैरेलल रोड्स है, ये नहीं है कि टेढ़े मेढ़े रोड हो, रोड भी बिल्कुल सीधे वहां पर। यदि हम सीवेज सिस्टम की बात करते हैं, वहां पे भी सीवेज सिस्टम है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ इकट्ठा हो, कहाँ से उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उस सब चीज की प्लानिंग की थी। तो ये प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले उनको थिंकिंग बेस्ड होनी चाहिए कि वो चीज को सोचे कैसे, विदाउट ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही यदि हम उनके ब्रिक साइज की बात करते, जो ईट यूज करते थे, तो ईट यूज करने के बाद उनके पास ना तो लेंथ थी, ना ब्रेथ थी, ना ही हाइट थी, तब भी वो एग्जैक्ट ब्रिक बनाते थे, एग्जैक्ट ईट का साइज बनाते थे। वो कैसे बनाते थे, तो वो एक साइज यूज करते थे 4:2:1। 4 को वो किसी चीज से मेजरमेंट करते थे, कोई भी एक साइज है जिसको वो क्या लेट करते थे 4, फिर उसका हाफ करते थे 2, फिर उसका हाफ करते थे 1। इस टाइप से वो क्या बनाते थे, ब्रिक साइज। ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रिक साइज, हमें क्या बात कर रहे हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसका मतलब लेंथ 4 है, ब्रेथ 2 है और हाइट कितनी है 1। लेकिन वहां पे कोई सेंटीमीटर, कोई मीटर ये यूनिट नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर ये डिफाइन ही नहीं हो पाई थी कि सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है। लेकिन वो कुछ स्टैंडर्ड यूज करते थे जिसके हिसाब से आप पता चलता था ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही यहां देखिए, जब मैं अपने एंशिएंट इंडिया की बात करता हूं, तो यहां पे एक श्रीयंत्र यूज होता था। शायद श्रीयंत्र तो आप एडवर्टीजमेंट में भी देखते हो, कई सारे टेलीशॉप पे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं श्रीयंत्र की, आप अपने पास श्रीयंत्र मंगवाइए, ये आपके लिए शुभ होगा, ये होगा। तो एक्चुअली श्रीयंत्र क्या था, वो एंशिएंट इंडियन टाइम पे यूज करते थे। क्या है वो श्रीयंत्र, अर्थवेद में उसको डिफाइन किया गया है। जो श्रीयंत्र है वो 7 ट्रायंगल से बनता था, 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एंशिएंट इंडिया में क्या कहते थे, श्रीयंत्र कहते थे, वो 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल से बनता था। और जब हम 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल को अरेंज करते थे, तो उनको अरेंजमेंट का भी उसमें कुछ सिस्टम था जिससे आप उसको अरेंज कर सकते थे, और अरेंज करके उनको 43 सबसाइड्री ट्रायंगल्स में भी चेंज कर सकते थे। तो आप देखिए कि 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, उसको चेंज करके आपने 9 सबसाइड्री ट्रायंगल्स बनाई, और वो इतनी एक्यूरेट थी। अब उस को यूज करते हुए हम डिजाइनिंग करते थे, हम लेंथ लगाते थे, ब्रेथ लगाते थे, आर्क लगाते थे, एरिया निकालते थे, वॉल्यूम निकालते थे, बहुत सारी चीजें निकालते थे। तो श्रीयंत्र क्या था, ये आपके अर्थवेद में डिफाइन किया गया था, तो ये क्या था, टूल था। लेकिन उस टाइम पर ये नहीं डिफाइन कर पाया कि एक्चुअली लेंथ, एरिया, ब्रेथ है क्या चीज। ये हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि हम इन रूल्स को आगे फॉरवर्ड कैसे करें। तो इसी को फॉरवर्ड करने के लिए कुछ मैथमेटिशियंस आगे आए। उसमें से पहला मैथमेटिशियंस क्या है आपका, इजिप्ट। इजिप्ट का मैथमेटिशियन का नेम क्या है आपका, जो हमारे चैप्टर का ही नाम है, यूक्लिड। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यूक्लिड के बारे में। समझ आया आपको, सो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब जो हमारी प्रॉब्लम थी क्या थी, जो इजिप्टियन के लोग थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी ऑफ रिजल्ट्स, उनका मतलब कुछ चीज उन्होंने डिफाइन करी, उसको उन्होंने स्टेटमेंट के टर्म्स में चेंज कर दिया, लेकिन नो जनरल रूल। लेकिन उनके पास कोई जनरल रूल नहीं था कि यदि ये स्टेटमेंट है तो क्या ये कहां कहां अप्लाई होगी, कैसे कैसे इसको यूज किया जाए, कैसे इसको
फाइंड आउट किया जाए फॉर दूसरी एप्लीकेशंस में, कैसे इसका यूज किया जाए वो नहीं था उनके पास। तो इसी से रिलेटेड कुछ और जो मैथमेटिशियंस थे लाइक ग्रीक, जो सिविलाइजेशन लाइक हम ग्रीस की बात करते हैं, तो यहाँ के जो सिविलाइजेशन थे उनकी मेंटली जो थिंकिंग थी वो डिफरेंट थी। वो क्या कहते थे, जब भी कुछ डिजाइनिंग करते थे, कुछ कंस्ट्रक्शंस करते थे, तो वो उनका रीजन बताते थे कि इसका रीजन बिहाइंड द वर्क क्या है। इसका मतलब वो हर चीज को ट्रूथ में कन्वर्ट करते थे। रीजनिंग बिहाइंड द सर्टेन वर्क, मतलब कुछ भी काम करते थे उसका रीजन देते थे, उससे रिलेटेड वो कुछ ना कुछ रीजन के मतलब क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग, एक ऐसा रीजन देते थे कि यदि आपने ऐसा किया तो आप ऐसे करते करते कुछ और डिजाइनिंग या कुछ और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब उनके पास उस चीज का कुछ ना कुछ प्रूफ था, ट्रूथ था। तो वो किस पे फोकस करते थे, ट्रूथ पे फोकस करते थे, रीजन पे फोकस करते थे कि उनकी डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, उस सोच को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। लेकिन इजिप्ट के लोग उस चीज को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में चेंज करते थे, तो लेकिन उनके पास क्या था, नो जनरल रूल, उनके पास कोई रूल नहीं था। ऐसे ही ग्रीस सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पे बहुत ही फेमस और सबसे कह सकते हो लाइक जो फेमस मैथमेटिशियंस थे उनका नाम क्या था, थेल्स। वो बहुत ही अच्छे कैसे क्या थे कि थेल्स एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिसने पहला प्रूफ करके दिखाया। तो जो फर्स्ट प्रूफ था वो किसने किया, थेल्स ने। और वो कहां का सिविलाइजेशन से रिलेटेड करते थे, ग्रीक से। अब क्या वर्ड है उसको समझे ध्यान से। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थेल्स की, उन्होंने कहा कि ए सर्कल इज बाइसेक्टेड। आपको पता है सर्कल इज बाइसेक्टेड का मतलब क्या है, एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और इस चीज का उन्होंने प्रूफ भी करके दिखाया। लेकिन आज हम इस चीज को पता है, आज छोटे से बच्चे को भी हम कह देते हैं कि एक सर्कल इज बाइसेक्टेड, तो वो बच्चा कहता है हाँ एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन यही चीज जब सालों पहले की बात करते हैं तो वहां पे तो ये कोई रूल नहीं था ना कि एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि सर्कल की शेप कैसे होती है, सर्कल क्या होता है, ये चीज नहीं पता था। लेकिन उनको कुछ ये उन्होंने कुछ इसको सिंबल दिया होगा जो कि इस टाइप की सर्कल की शेप को कुछ नाम दिया होगा, फिर इसको हाफ करने का भी कुछ किया होगा। तो लेकिन उनके रूल्स को धीरे धीरे किसमें बनाया गया, सर्टेन स्टेटमेंट में। जैसे जैसे हम नेक्स्ट सेंचुरी की तरफ बढ़ते गए, कुछ डिफाइन कुछ रूल्स कुछ लगाए गए, जिसको रूल को आज हम रीड करते हैं, और उस रूल की हेल्प से हम फर्दर अपनी मेंस्ट्रुएशंस को सॉल्व करते हैं फॉर टिपिकली कैलकुलेशंस के लिए। सेकेंड जो स्टेटमेंट थी पाइथागोरस, पाइथागोरस तो सभी को पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। लेकिन ये भी किसकी मैथमेटिशियंस से आया, ये भी थेल्स ने ही डेवलप की। तो इस टाइप से थेल्स ने और भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, रूल्स थे। तो थेल्स को क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ज्योमेट्री का क्या है, ये एक फाउंडर कह सकते हो। तो फाउंडर ऑफ द ज्योमेट्री क्या माना जाता है, थेल्स। अब इस थेल्स की हेल्प से ही फिर किसकी बात आएगी, अब यूक्लिड की। अभी तक हमने सब बेसिक रीड किया, अब हम बात करेंगे किसकी, यूक्लिड की, क्योंकि चैप्टर का नाम कहां से स्टार्ट होता है, यूक्लिड। सो अगेन मेक अ नोट फर्स्ट, नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब हम बात कर रहे हैं यूक्लिड की। यूक्लिड क्या, मैथमेटिशियंस एट अलेक्जेंड्रा इन इजिप्ट। हमें ये पता है कि इजिप्ट में जो मैथमेटिशियंस थे उसी का नाम क्या था, ये जो फेमस मैथमेटिशियंस है वो क्या है आपके, यूक्लिड। तो यूक्लिड ने ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए एक लैंग्वेज यूज की। अब वो लैंग्वेज क्या है उसको ध्यान दीजिए, इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ वर्क वर्ल्ड इन विच दे लिव। जैसे आप रहते हो, आपके सराउंडिंग में जो वर्ल्ड है उसने ही इस वर्ल्ड को क्या कहा, एक ज्योमेट्री, एक इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। क्या समझे ध्यान से, कि जो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है ऑफ द वर्ल्ड जहां पे आप रहते हो वही क्या है, एक ज्योमेट्री है। अब उसी चीज के बारे में आपको देखना है, समझना है, उसी से कुछ टर्म्स डिफाइन की गई, डिराइव की गई, वही क्या है आपकी, ज्योमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफाइन या डिराइव लाइन, उसने कुछ भी एक मार्किंग की, उसने कुछ क्या कहा, ये एक लाइन है।
ऐसे स्पेस, उसने आसपास के जैसे वो क्या नाम दे दिया स्पेस, ऐसे सरफेस, ऐसे बहुत सारे टर्म्स उसने डिराइव करी, डिफाइन करी, तब जाके उसने कहा कि ज्योमेट्री कुछ और नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो हम स्टडी करते हैं। फिर उसने डिफाइन किया सॉलिड। अब सॉलिड क्या चीज है उसको समझना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसने सॉलिड को डिफाइन करने के लिए कुछ लॉ दिए। अब क्या लॉ है उसको ध्यान से समझिए। उसने सॉलिड को डिफाइन किया कि सॉलिड एक ऐसी चीज है जिसकी शेप हो सकती है, जिसका साइज होता है, जिसकी पोजीशंस होती है। आपको पता है कि सॉलिड क्या है? सॉलिड एक 3D ऑब्जेक्ट है, और आप कह सकते हो सॉलिड वो चीज है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड जिसकी शेप है, जिसका साइज है, जिसकी पोजीशंस है, जिसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हो। जैसे ये मार्कर है, अब मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकता हूं, तो ये क्या है? एक सॉलिड है। तो उसने सॉलिड को डिफाइन किया। अब सॉलिड को डिफाइन करते टाइम उसने एक वर्ड डिफाइन करी, बाउंड्रीज। अब जो आपको ये फेसेस दिखाई दे रहा है, तो इन फेसेस को क्या कहा उसने? बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज क्या है? आर कॉल्ड द सरफेस। इन बाउंड्रीज का क्या नाम दे दिया उसने? सरफेस नाम दिया। सरफेस डिफाइंड होने के बाद उसने बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड द कर्व्स और द स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब जैसे ये आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, सरफेस है, तो सरफेस की जो बाउंड्रीज होती है, इन्हीं बाउंड्रीज को क्या नाम दिया गया? कर्व्स या स्ट्रेट लाइंस, डिपेंडिंग करती है कि इसकी बाउंड्री कर्व शेप की है या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की है। तो उसने बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड लाइंस या स्ट्रेट कर्व कह सकते हो या स्ट्रेट लाइन कह सकते हो, इस टाइप से डिफाइन किया। फिर उसने लाइंस को भी डिफाइन किया गया। लाइंस क्या है? लाइंस एंड इन पॉइंट्स। जैसे ये एक लाइन है, तो इसका ये और ये दोनों क्या है? एंड पॉइंट्स है। जैसे मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो कोई लाइन है तो लाइन एंड्स इन पॉइंट्स, तो लाइन के दो एंड पॉइंट्स जरूर होंगे, ए बी, समझ आया? तो उसने यूक्लिड ने क्या कहा कि जो सबसे पहले और ही करा देता हूं आपको, कि जो पूरा वर्ल्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है फॉर द ज्योमेट्री के लिए। जो हम आसपास देखते हैं ये सारी चीज ज्योमेट्री का ही पार्ट है। उसने कहा एक सॉलिड ऐसी चीज है जिसका साइज होता है, शेप होती है, जिसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हो, वो क्या है? एक सॉलिड है। तो सॉलिड में टर्म्स आती है बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज क्या है? बाउंड्रीज क्या है? जो सॉलिड जिससे कवर अप होता है उसको हम बाउंड्रीज कहते हैं। तो बाउंड्रीज मतलब एक सरफेस है, और जो बाउंड्रीज एंड होती है, बाउंड्रीज किससे एंड होती है? लाइन से या कर्व से। फिर उसने लाइन को डिफाइन करा। लाइन क्या होते हैं? जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं। इस टाइप से क्या करा उसने? डिफाइन किया तरीका। ये चीज समझ आई? ये यूक्लिड की सोच थी, उसका एब्स्ट्रैक्ट मॉडल था रिगार्डिंग द ज्योमेट्री। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड फर्स्ट, कि यूक्लिड ने सबसे पहले एक ये बताया कि सॉलिड को पॉइंट में चेंज करना है, तो किस किस टाइप से आप सॉलिड को चेंज में करते हो, तो क्या चीज चेंज होती है? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। सॉलिड की ये आप सॉलिड को चेंज करते हो, किस में कर रहा हूं चेंज? में सॉलिड को चेंज कर रहा हूं पॉइंट्स में। तो सॉलिड को पॉइंट में चेंज करते टाइम तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्या डायमेंशंस चेंज होती है। अब हम यहाँ पे यूक्लिड ने डायमेंशंस वर्ड क्रिएट किया। उसने कहा कि जो सॉलिड होता है उसकी 3 डायमेंशंस होती है। सॉलिड हैज 3 डायमेंशंस। आपको वैसे आज के टाइम पे तो वैसे ही पता है कि कोई भी सॉलिड है उसकी 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये दीज आर द 3 डायमेंशंस। लेकिन एट दैट टाइम, उस पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, उसने सॉलिड को डिफाइन करा 3 डायमेंशन से, और जो पॉइंट है उसको उसने 9 डायमेंशन। इसका मतलब पॉइंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। फिर उसने कहा कि यदि हम सॉलिड को पॉइंट में चेंज करते हैं, इसका मतलब 3 डायमेंशन को 0 डायमेंशन, 0 डायमेंशन में कोई भी डायमेंशन चेंज करते हैं, तो क्या क्या फिगर चेंज होता है, क्या क्या चीजें आती है? तो सॉलिड सबसे पहले किसमें चेंज होता है?
सॉलिड होता है सरफेस में, सरफेस। तो सरफेस की कितनी डायमेंशंस होती है? टू। उसने कहा कि सॉलिड की थ्री डायमेंशंस होती है। अब सॉलिड से जो फिगर को चेंज करते हैं, एक डायमेंशंस को कम करते हैं, तो वो एक नया फिगर बन जाता है और उसको क्या नाम दिया उसने? सरफेस। तो सरफेस हैज टू डायमेंशन, और सरफेस में ऐसे भी एक डायमेंशंस को कम कर देते हैं तो एक नया फिगर बन जाता है, जिसको उसने नाम क्या दिया? लाइन। और लाइन हैज वन डायमेंशन। आज के टाइम पर हमें पता है कोई भी लाइन होती है उसकी एक ही डायमेंशन होती है, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। लेकिन उस टाइम पर उसने लाइन क्या कहा? एक सॉलिड फिगर है, उसकी थ्री डायमेंशन है, उसमें से एक डायमेंशन को कम करने से एक नया फिगर बनता है, जिसको उसने नाम दिया सरफेस। तो सरफेस हैज टू डायमेंशन। फिर उसने ये कहा कि सरफेस में से एक डायमेंशन और कम कर दी जाए तो एक नया फिगर बन जाता है, जिसको क्या नाम दिया? लाइन। और लाइन को भी चेंज कर दिया जाए तो उससे क्या बन जाता है? पॉइंट। और पॉइंट हैज नो डायमेंशंस, पॉइंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती। ये सब चीज किसने डिफाइन किया? यूक्लिड ने। अब बात आती है यूक्लिड ने कितने लॉज दिए। उसमें कुछ डेफिनेशंस थी। डेफिनेशंस का मतलब क्या है? कुछ मैथमेटिकली रूल्स जो आज हम यूज करते हैं। तो वो रूल्स क्या काम होते हैं? उसके मैथमेटिकली डेफिनेशंस। तो आपको डेफिनेशन समझ आती है, लेकिन डेफिनेशन नहीं है ये, डेफिनेशन एक्चुअली क्या है? मैथमेटिकली रूल्स है। जैसे आपसे मैं कहता हूँ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो आप फटाफट बताते हो कि लेंथ इनटू ब्रेथ। इसी को उसने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिख दिया। उसने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ द वन लाइन विद द सेकेंड लाइन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो डेफिनेशन तो वही है, सिर्फ उसने जो फॉर्मूले थे उसको डेफिनेशन के टर्म्स में उसने डिफाइन किया। तो उसने 23 डेफिनेशन डिफाइन की, लेकिन उसमें से हम यहाँ पे 6 डेफिनेशंस यूज करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में डिफाइन की गई है। तो लुक एट द बोर्ड फर्स्ट। सबसे पहले बात आती है हमारी पॉइंट की। तो यूक्लिड ने पॉइंट को डिफाइन किया। डेफिनेशन देखिए क्या कहा उसने, इस पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब उसने ये कहा कि जो पॉइंट है वो ऐसी चीज होती है जिसके कोई फर्दर पार्ट नहीं किए जा सकते। जैसे मैं मार्कर है, मार्कर की तो पॉइंट नहीं होता, आपका पेन होता है, पेन से जो उसकी टिप होती है उससे ही पॉइंट निकाल दिया जाए तो वो पॉइंट के आप पीसेस नहीं कर सकते, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो पॉइंट एक ऐसी स्मॉलेस्ट चीज होती है जिसको किसी दूसरे टुकड़ों में या पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये डेफिनेशन का मीनिंग था कि उसने कहा कि एक ऐसी चीज, जैसे मैंने ये मार्क करा, ये क्या चीज है? पॉइंट। तो उसने कहा कि ये ऐसा चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं किया जा सकते, इसके मैं पार्ट नहीं कर सकता, टुकड़े नहीं कर सकता। तो वो चीज जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको उसने ज्योमेट्री की टर्म्स में डिफाइन करा, वो चीज क्या होती है? पॉइंट होता है। समझ आया? सेकंड उसने डिफाइन किया लाइन। उसने कहा कि इस ब्रेथ लेस लेंथ, ब्रेथलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी चौड़ाई नहीं होती, ऐसी चीज को क्या नाम दिया उसने? लेंथ। जैसे ये मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, मार्कर की तो ये विड्थ दिखाई दे रही है आपको, ये विड्थ है, इस विड्थ को जीरो कर दूंगा, ब्रेथलेस। ब्रेथलेस का मतलब ब्रेथ और लेस मतलब जीरो। यदि ब्रेथलेस को मैं जीरो कर दूंगा तो ये सिंपल आपको ऐसे दिखाई देगा। अभी फिलहाल सबसे पहले देखिए कैसे दिखाई दे रहा था आपको, ऐसे। ये मार्कर है और ये इसकी क्या है? विड्थ है। अब जब मैं विड्थ को जीरो कर देता हूं तो ये मार्कर आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसी चीज जिसकी ब्रेथ जीरो होती है उसको क्या कहते हैं? लाइन। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड जो डेफिनेशन है वो लाइन को क्या डिफाइन किया गया? इज द ब्रेथ लेस लेंथ। इतना समझ आ गया। ऐसे थर्ड स्टेप पे आइए। The ends of a line are the points. जो आप दिखाई दे रही है ये क्या है? लाइन। इसके जो एंड है वो क्या होते हैं? पॉइंट। यहां दिखाई भी दे रहे हैं आपको, मार्क भी हो रहे हैं। तो ये क्या है? पॉइंट्स। तो जो लाइन होती है उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड क्या होते हैं? हमेशा एक पॉइंट ही होते हैं। स्टेट लाइन के बारे में कि क्या एक स्टेट लाइन होती है।
उसने कहा कि एक ऐसी लाइन, लाइन आपको पता है ब्रेथलेस लेंथ को क्या कहते हैं लाइन, तो ऐसी ब्रेथलेस लेंथ लाइज इवनली विद द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पे ऑन इटसेल्फ। मतलब ऐसी लाइन जिसपे सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, इस कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई भी ऐसी लाइन जिसपे सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, जैसे ये लाइन है, इसी पे सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, ऐसी लाइन जिस पे सारे पॉइंट्स उसी पे लाई करते हो, तो उसको क्या नाम दिया उसने, स्ट्रेट लाइन। फिर उसने कहा सरफेस, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी उसकी, सरफेस से रिलेटेड थी। उसने सरफेस को डिफाइन किया, सरफेस को कहा उसने इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। मतलब उसने कहा कि जो सरफेस है, सरफेस क्या होता है, जिसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मोबाइल फोन की बात करता हूँ, मोबाइल फोन में आपको यहाँ पे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये फेसेस क्या बन गया, सरफेस। तो मतलब ऐसी चीज जिसकी लेंथ होती है और जिसकी ब्रेथ होती है, उसको क्या कहते हैं हम, सरफेस कहते हैं। ये थी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। नाउ लुक एट द सिक्स्थ डेफिनेशन। सिक्स्थ में क्या कहता है, द एजेस ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड लाइन। एजेस का मतलब किनारे होते हैं, जैसे यही सब। अब आपको ध्यान से देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, किनारे, इसको एज कहते हैं। जो सरफेस है, ये सरफेस है और ये इसकी क्या है, एज, किनारे। तो ये किनारे क्या होते हैं, या तो कर्व होते हैं या लाइंस होता है। यदि सरफेस हमारा बिल्कुल फ्लैट होगा तो वहां पे हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। तो यही डेफिनेशन क्या कहते हैं, जो एज होते हैं ऑफ सरफेस के, वो क्या होती है, लाइन। उसने हर एक सरफेस के एज को क्या नाम दिया, ये एज क्या है हमारी, ये लाइंस है। तो उसने लाइंस को डिफाइन करने का एक नया तरीका बताया, उसने कहा कि जो एज होते हैं सरफेस के आर कॉल्ड द लाइंस। सेवंथ रीड करिए, सेवंथ क्या कहता है, एक प्लेन सरफेस इज अ सरफेस। उसने प्लेन सरफेस को डिफाइन किया। उसने क्या कहा कि जो प्लेन सरफेस होता है वो एक ऐसा सरफेस होता है विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस। मतलब वो सरफेस जिसपे सारे पॉइंट्स क्या है, उसी पे लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैं आपको मोबाइल फोन ले रहा हूँ, अब मोबाइल फोन पे ये स्ट्रेट लाइंस है, यदि स्ट्रेट लाइंस पूरी की पूरी इस पे कवर अप हो जाती है, तो ये क्या है आपका, प्लेन सरफेस। और यदि मैं इस पे ये मार्कर रखता हूं पहले, अब ये सरफेस लेट करिए कि ये सरफेस ऐसे है, ऐसे फिर ऊपर है फिर नीचे, आपको दिखाई दे रहा है ये सरफेस क्या है, प्लेन नहीं है, क्योंकि यहां देखिए गैप आ गया ना। फिर अब मैं इसको मार्कर को रखता हूं, ये मार्कर तो स्ट्रेट लाइन है, अब मैं स्ट्रेट लाइन को इसके ऊपर रखता हूं, क्या ये इसके ऊपर लाई करेगी, नहीं, कहीं पोर्शन से क्या है ऊपर है और कहीं पोर्शन क्या हो गया, टच कर गया। इसका मतलब क्या है, ये लाइन पूरी की पूरी इस पे ओवरलैप नहीं कर रही, तो ये सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस नहीं है। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये प्लेन दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल, इस पे स्ट्रेट लाइन है, पूरी की पूरी क्या करेगी, ओवरलैप कर जाएगी, दिखाई दे रही है आपको, पूरी की पूरी ओवरलैप करके। तो ये सरफेस क्या है हमारा, प्लेन सरफेस अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। उसने क्या लिखा कि प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस है विच लाइज इवनली जिसपे विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट्स, सारी स्ट्रेट लाइन उसी पे लाई कर जाए, कहीं ऊपर या एयर स्पेस में लाई ना करे, तो वो सरफेस हमारा प्लेन सरफेस है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो इन स्टेटमेंट को नोट करिए, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज लाइन क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन क्या होती है, व्हाट इज सरफेस क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है, इस टाइप की डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस नहीं है, ये आपके मैथमेटिकली रूल्स है। सो प्लीज मेक अ नोट इन योर फेयर नोट, वेरी एग्जैक्ट वे से इसको नोट कीजिएगा। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब हम बात कर रहे हैं सम टर्म्स, कुछ टर्म्स की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है और यही बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। अब देखिए क्या बात कर रहा हूं मैं, कुछ टर्म की बात करता हूं, जैसे लाइक, पार्ट, ब्रेथ, लेंथ एक्सेट्रा। मतलब अभी हमने यूक्लिड से कई सारे डेफिनेशन डिफाइन करी, उसने पॉइंट को डिफाइन करा, उसने लेंथ को करा, उसने सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया, ऐसे फोर टाइप्स की डेफिनेशन उसने डिफाइन करी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम नहीं अराइज हुई, क्या वो प्रॉब्लम थी उसको समझिए, बिल्कुल इजी टॉपिक है। कहता है कि ऐसी बहुत सारी टर्म्स है, जब हम इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं तो
तो डिफाइन करते टाइम जब एक टर्म को डिफाइन करते हैं तो उसमें दो या तीन चीज, दो या तीन टर्म्स अनडिफाइंड और मिल जाती हैं हमें। मतलब जैसे मैं कुछ चीज लेने गया, अब उस चीज लेने के बाद मुझे क्या पता चला कि दो चीज और लेके आनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मम्मी ने मुझे कहा कि ये एक चीज ले आओ, मैंने मना करा, मम्मी ने गुस्सा करके कहा कि जाओ ये चीज लेके आओ। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये तो चीज पास में मिलती है, मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मम्मी ने इस चीज का मेरा बेनिफिट उठाया, क्या कहा, हाँ तू जा तो रहा है, ऐसा करियो दो चीज और ले आइयो, और वो डिस्टेंस और भी था। इसका मतलब मैंने एक हाँ क्या भरी, मैं तो फंस गया बिल्कुल, मैं एक चीज पे गया, मुझे दो चीज और लानी पड़ गई। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ है कि क्या है, जब आप एक चीज को डिफाइन करने जाते हो तो उसको डिफाइन करते करते दो और चीज, दो जरूरी नहीं है, दो तीन चार पांच छह सो मेनी टर्म्स, इसका मतलब एक चीज को डिफाइन करते जाते हैं तो दूसरी चीज और आ जाती है अनडिफाइंड वाली। जब मैं दूसरी चीज को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं तो तीसरी आ जाती है। इसका मतलब यदि मैं एक डेफिनेशन को डिफाइन करता हूं तो सो मैनी डेफिनेशन को डिफाइन करना पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, लुक एट द बोर्ड फर्स्ट, कि पॉइंट, यूक्लिड ने पॉइंट को डिफाइन किया और पॉइंट की डेफिनेशन क्या कही, रीड करिए, इज दैट विच हैज नो पार्ट। आपको पता है कि पॉइंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड क्या है, विच हैज नो पार्ट। अब मैं पॉइंट को डिफाइन करने गया तो एक वर्ड और आ गया, पार्ट। अब ये पार्ट क्या होता है, अब तो ये पजल हो गया। अब मुझे पॉइंट को डिफाइन करना था, पॉइंट को डिफाइन किया नहीं, एक नई टर्म और अनडिफाइंड आ गई, पार्ट। चलिए फिर मैंने कोशिश किया कि पार्ट को भी डिफाइन करता हूं, पार्ट को डिफाइन करने की कोशिश करी, इज दैट विच ऑक्यूपाइज एरिया, जो एरिया को ऑक्यूपाई करता है। अब मैं पार्ट को डिफाइन कर रहा था, अब यहां पे वर्ड आ गया एरिया। अब एरिया क्या होता है, अब तो मेरे कान पर कर लिया मैंने, कि क्या करूं, एक चीज को डिफाइन करने गया, दूसरी चीज आ गई, अब दूसरी को डिफाइन करता हूं तीसरी चीज, तो ऐसे मैं कब तक डिफाइन करूंगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ऐसे ही जैसे मैंने ये वन पॉइंट की डेफिनेशन दी, आप लाइन की लीजिए, एरिया की लीजिए, सरफेस एरिया की, उन सब में यही होता है कि एक चीज को डिफाइन करते दूसरी अनडिफाइंड, दूसरी को डिफाइन करते तीसरी अनडिफाइंड। तो एक डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए मैं हजारों डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ती है। क्या ये ट्रूथ है, क्या चीज पॉसिबल है, नहीं। तो प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लुक एट द बोर्ड, तो जब हमने एक चीज को डिफाइन करने गए तो हमारे पास भी हैव टू डिफाइन मेनी अदर थिंग्स, तो हमें दूसरी चीज को डिफाइन करना पड़ा। इसका मतलब नो एंडिंग, एंडिंग ही नहीं हुई, ये नहीं हुई कि 10 डेफिनेशन के बाद एंड हो जाए, पता नहीं कितने डेफिनेशन के बाद उसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो। सो वी लिव, हमें छोड़नी पड़ेगी सम टर्म्स अनडिफाइंड। तो आपको हर चीज को अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ क्या है, लिव करनी पड़ेगी, छोड़ दो। तो इसके लिए यूक्लिड ने एक बहुत अच्छा मेथड डेवलप करा, उसने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी। उसने कहा कि कुछ ऐसी चीज होती है जिसको अनडिफाइंड ही रहने दिया जाए, जिसको हम प्रूव नहीं कर पाते उनको अनडिफाइंड ही रखा जाए, और वही क्या बन जाते हैं, हमारे दो चीज बन जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि हम ये चीज क्यों रीड कर रहे हैं। इतना समझ आया, सो प्लीज अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब बात कर रहे हैं कि आपने समझा कि हर चीज को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो यूक्लिड ने क्या करा, उन चीज को लिव कर दिया, छोड़ दिया, उसको डिफाइन नहीं करना। तो कुछ ऐसी चीज होती है जिसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए हम एज्यूम मान के चलते हैं कि ये ट्रूथ होता है, और उन ट्रूथ को क्या नाम दे दिया गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। लुक एट द डेफिनेशन, यूक्लिड एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज Which were not to be proved, जो प्रूव नहीं की जा सकती, जिसको हम छोड़ देंगे, उनको क्या नाम दे दिया गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आपके पास एक नई डेफिनेशन आ गई, किसकी डेफिनेशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि यूक्लिड एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टी विच वर नॉट टू बी प्रूव इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ट्रूथ। अब जनरली हम ट्रूथ की बात करते हैं तो दो टाइप के ट्रूथ होते हैं, एक तो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और एक होता है स्पेसिफिक टू टाइम ट्रूथ।
एक होता है स्पेसिफिक टू टाइम, या कह सकता हूं मैं स्पेसिफिक ट्रूथ, या कह सकता हूं एज्यूम ट्रूथ, कह सकता हूं इसको. फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एक क्वेश्चन करता हूं, एग्जांपल लेता हूं. सपोज मैं कहता हूं मेरा कल बर्थडे है, टुमारो इज माय बर्थडे, ये मेरी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो मैं आज दे रहा हूं. तो ये आज ट्रूथ है, मैं कहता हूं यस मेरा कल बर्थडे है, बिल्कुल ठीक है. तो आप क्या कहोगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है. लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट यदि मैं कल आप रीड करते हो, और आपको कल आप ये रीड करते हो, कल नहीं 10 दिन बाद ये रीड करते हो कि टुमारो इज माय बर्थडे, तो मेरा बर्थडे जा चुका, तो क्या वो स्टेटमेंट वैलिड है, ट्रू है? नहीं. तो कुछ एक स्टेटमेंट्स होते हैं जो ट्रूथ होती है, प्रेजेंट ट्रूथ, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक ट्रूथ. लेकिन ये ट्रूथ जो है वैरी कर जाता है, चेंज हो जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में. तो फिर ये क्या हुआ, आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, ये ट्रूथ नहीं हुआ. क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ है जो आज भी ट्रूथ है, कल भी ट्रू है, और 10 दिन बाद या हजारों साल बाद भी ट्रू होगा, उसको कहेंगे हम यूनिवर्सल ट्रूथ. फॉर एग्जांपल जैसे मैं मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात करता हूं, यूनिवर्सल में एग्जांपल देना चाहता हूं, सन, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. क्या है स्टेटमेंट, सन राइज होता है फ्रॉम द ईस्ट, ये आज भी ट्रू है. आप कल चेक करो, कल भी ट्रू मिलेगी. आपको हजारों साल बाद देखोगे तब भी सन क्या है, ईस्ट से ही राइज होता है. इसका मतलब ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो अब इन यूनिवर्सल ट्रूथ को दो टाइप से डिवाइड किया गया, एक को नाम कहा क्या, एक्सियोम्स, एक्सियोम्स, एंड सेकेंड नाम क्या है, पोस्टुलेट्स. अब एक्सियोम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले एक्सियोम्स और पोस्टुलेट है तो दोनों चीज, दोनों के दोनों क्या है, एज्यूम ट्रूथ है. एज्यूम ट्रूथ है ना, आज माना है हमने ट्रूथ है ये, लेकिन इसको प्रूव नहीं कर सकते. लेकिन दोनों के दोनों सेम चीज तो नहीं हो सकते, इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है. अब वो डिफरेंस क्या है दोनों में, कुछ पोस्टुलेट्स क्या क्या गए, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, लेकिन कुछ ट्रूथ, assumption that was specific to geometry. तो आपने देखा कि जब अर्थ की मेजरमेंट करने के लिए जो भी आप रूल्स रेगुलेशन यूज करते हो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, उन सब ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, postulates. इसका मतलब जो आपने assumed truth मानने हैं, properties माननी है, जो truth है और वो link करती है किससे, geometry के साथ. ठीक है, जैसे आप geometry lines वगैरह curve वगैरह ये चीज draw करते हो तो geometry का part है. तो इस टाइप की यदि कोई प्रॉपर्टीज है तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या कहेंगे हम उसको, पोस्टुलेट्स. और कुछ एजम्पशन जो इनसे डिफरेंट है, ज्योमेट्री से डिफरेंट नहीं है, लाइन नहीं ड्रॉ करना, कर्व नहीं ड्रॉ करना, पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर, तो कुछ एल्जेब्रिक टर्म्स है, कुछ मैथमेटिकली नोशन है, तो उन टाइप के जो स्पेसिफिक ट्रूथ्स है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, उनको हम क्या कहेंगे, एक्सियोम्स. तो एजम्पशन यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स, तो पूरी मैथमेटिक्स में यूज करते हो, एंड नॉट स्पेसिफिकली टू ज्योमेट्री, लेकिन वो पर्टिकुलरली ज्योमेट्री के स्पेसिफिक नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सियोम्स. तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सियोम्स, क्या होती है, पोस्टुलेट्स क्या होती है, तो वो चीज अब हमें समझनी है. आई होप आपको समझ आया होगा. तो अभी हमने बेसिक डेफिनेशन रीड कर ली थी उसकी, एक्सियोम की और पोस्टुलेट्स की. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हमें डिस्कस क्या करना है, एक्सियोम्स. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. सो हमने अभी बेसिक्स रीड किया है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हमारा यूक्लिड एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, वो हम डिस्कस करेंगे इन अ नेक्स्ट लेक्चर. आई होप आपने पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, ये आपको नोट भी करना है और इस चीज को समझ भी आया होगा. अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर ये बन गया. अब कुछ हमें और क्वेश्चंस करेंगे, पहले यूक्लिड के एक्सियोम्स रीड करेंगे, फिर पोस्टुलेट्स, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू विल एंजॉय एंड आल्सो विल एंजॉय द वीडियो. तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. यदि आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो वी विल मीट इन विद नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वंस अगेन.